मिलिए पॉल अलेक्जेंडर से, है दुनिया के आखिरी इंसान जो आज भी आयरन लंग नाम की इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 70 सालों से छोटी सी मशीन ही इनका घर बनकर रह गया है। बाहर नहीं आ सकते। इनके खाने पीने से लेकर नहाना और टॉयलेट करना सब कुछ इसी मशीन में पूरा होता है। आपको बता दें कि 1952 में महज 6 साल की उम्र में इनके गर्दन के नीचे के सारे हिस्से को पोलियो वायरस ने पैरालाइज कर दिया था। लंग्स पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। एक खुद से सांस तक नहीं ले सकते थे। उस दौरान पोलियो से लड़ने का एकमात्र उपकरण आयरन लंग था, जो एक तरह से वैक्यूम टाइप चैंबर होता था। इसमें शरीर के गर्दन के ऊपर के हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से को इसके अंदर डाल दिया जाता था। एयर पंप मशीन अंदर के एयर को पंप इन और पंप आउट करता, जिससे कि लंग्स पर प्रेशर क्रिएट हो जाता और पेशेंट सर्वाइव कर जाता था। पॉल आज इसी मशीन के बदौलत जिंदा है, लेकिन इस तरह की मशीन 40 साल पहले ही बनने बंद हो चुके हैं। इसके खराब हो जाने पर इन्हें बहुत मुश्किल से इसके पार्ट्स और मैकेनिक्स मिलते हैं। इतने स्ट्रगल के बाद भी पॉल अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपको बता दें कि पॉल इसी मशीन में रहते हुए ग्रेजुएशन और लॉयर की डिग्री को पूरा किया। इतना ही नहीं, इनकी एक बुक भी आई है, जिसे उन्होंने अपने मुंह से कुछ इस तरह से लिखकर पूरी की है। क्या होगा अगर बाइक को रोलर से कुचल दिया जाए? इस चीज को अपने घर पर ट्राई मत करना। यह बस एक एक्सपेरिमेंट है, जिसे भारत के फेमस क्रेजी एक्स वाई जेड ने किया था। इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को, जिन्होंने बाइक को सबसे पहले खड़ा कर दिया, फिर रोलर को इस पर चढ़ाने की कोशिश की। रोलर पहली बार में तो बाइक को नीचे ही गिरा पाता है और ग्रिप ना मिलने की वजह से रोलर उस पाता, लेकिन फिर दोबारा रोलर को बाइक पर चढ़ाया जाता है। इस बार रोलर बाइक पर चढ़ जाता है। फिर देखिए बाइक के इंजन को छोड़कर पूरी बाइक किस तरह से चटनी बन जाती है। फिर कई बार रोलर को बाइक के इंजन पर भी चढ़ाया जाता है, लेकिन इंजन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। समझ ही सकते हैं कि बाइक का इंजन कितना मजबूत होता है, जिसे रोलर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों।